ऑल राइट गाइस, सो यार एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्निकल श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव एंड गाइस आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ग्रीन पैंथेरा वेबसाइट का। गाइस अगर आप लोग ग्रीन पैंथेरा डॉट कॉम रिव्यू अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको कुछ इस टाइप की वीडियो देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आपसे कोई बोलेगा कि आप $300 पर मंथ कमा सकते हो, कोई बोलेगा $250 पर मंथ कमा सकते हो, कोई बोलेगा ₹700 दिन कमा सकते हो, कोई बोलेगा ₹500 दिन कमा सकते हो। तो आज मैं कम्प्लीट रिव्यू आपको देने वाला हूँ कि इस वेबसाइट से आप कितना अर्न कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है greenpanthera.com, ये वेबसाइट जो मैंने ओपन करके यहाँ पर रखी हुई है। देखिए इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि साइनअप करना पड़ता है। साइनअप जैसे ही आप कर लेते हो तो आपको $5 का यहाँ पर साइनअप बोनस दे दिया जाता है, जिसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते। एंड गाइस आप यहां पर देख सकते हो इनका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहां पे $30 का है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वेबसाइट लेजिट है या फेक है। तो देखिए फ्रेंड, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको यहां पर प्रूफ के साथ बताऊंगा। जो लोगों ने वीडियो बनाई है उनका नहीं पता मुझे कि उनने कैसे बनाएंगे, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्या ये वेबसाइट फेक है या रियल है। तो गाइस इस वेबसाइट का रिव्यू देखने के लिए मैंने गूगल में सर्च किया ग्रीन पैंथेरा रिव्यूज। जैसे ही मैंने ग्रीन पैंथेरा रिव्यू सर्च किया, मेरे पास सबसे पहली पोस्ट आती है जिसमें लिखा हुआ है कि ग्रीन पैंथेरा वेबसाइट को ट्रस्ट पायलट ने मतलब अनहैप्पी बताया है। अगर आपको नहीं पता कि ट्रस्ट पायलट क्या है, दोस्तों ट्रस्ट पायलट एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अलग अलग टाइप की वेबसाइटों को रिव्यू करती है और उनको रेटिंग देती है। ट्रस्ट पायलट एक रेटिंग बेस्ड कंपनी है। मतलब अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो ट्रस्ट पायलट में जाइए और उस कंपनी का नाम लिखिए, आपको वहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये कंपनी फेक है या रियल है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लोगों ने बोला है कि मोस्ट ऑफ द यूज़र ने ट्रस्ट पायलट पर इस वेबसाइट को जो है अनहैप्पी बताया है, मतलब कि ज़्यादातर आदमी इससे खुश नहीं है। अब मैं आपको नीचे यहाँ पर बता दूँ तो यहाँ पर देखिए ट्रस्ट पायलट की ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी रेटिंग कितनी बेकार है, 1.6 की रेटिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा बेकार है। यहाँ पर देखिए और बैड भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है रिव्यू 1 बैड। एंड गाइस अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रिव्यू किसने दिए। दोस्तों ये रिव्यू आप और हम जैसे काम करने वालों ने दिए, मतलब कि जिन लोगों ने इस वेबसाइट पर ऑलरेडी पहले काम कर लिया है उन्हीं लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं कि ये वेबसाइट कैसी है, मतलब कि उनने काम किया हो और उसके बाद उन्हें ये वेबसाइट जिस टाइप की लगी होगी उस टाइप का उन्होंने यहाँ पर रिव्यू दिया है। जैसे कि देखिए फ्रेंड, एक्सीलेंट यहाँ पर केवल 8% लोगों ने दिया है और बैड सबसे ज़्यादा मतलब 84% लोगों ने यहाँ पर इसको बैड रेटिंग दी है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आई हैव स्पेंड ए नंबर ऑफ वीक्स, मतलब इन्होंने बहुत सारे हफ्तों तक यहाँ पर काम किया एंड जैसे इन्हें $60 कंप्लीट कर लिए, $60 कंप्लीट करने के बाद इनका अकाउंट जो है लॉगिन ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है अगर आप इस वेबसाइट में काम कर रहे हो तो। एंड गाइस जब भी आप किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहे कि ये लेजिट है या फेक है तो आप गूगल में जाकर उनका रिव्यू पढ़िए और ट्रस्ट पायलट जैसी वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि उनको कैसी रेटिंग दी गई है। अगर 3, 4, या 5 की रेटिंग मिलती है किसी वेबसाइट को तो वो सबसे बेस्ट रेटिंग मानी जाती है। एंड गाइस उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है सैडली आई कैंट गिव 0 स्टार। एंड गाइस वीडियो पोस्ट करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है। एंड आखिरी में एक सिंपल सी लाइन लिखी है कि डोंट रजिस्टर, मतलब आप इस पर रजिस्टर मत कीजिए। एंड उसके बाद आप तीसरा रिव्यू पढ़ सकते हैं, इनका ये यहाँ पर नाम दिया गया है एंड इनने जो रिव्यू दिया है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इनने क्यों इसको जो है बैड रेटिंग दी है, मतलब कि यहाँ पर रीजन है। जिन लोगों ने काम किया है वो लोग यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर रेटिंग दी है क्योंकि उनको उनका पैसा नहीं मिला होगा, इसीलिए उनने जो है गुस्से में आके यहाँ पर रेटिंग दी है। तो गाइज यहाँ पर केसी नाम से एक बंदा है, यहाँ पर इनने सीधा सा इसको स्कैम लिख दिया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनने सीधा इस वेबसाइट को स्कैम ही लिख दिया है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये वेबसाइट फेक है या रियल है। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी बंदा इस वेबसाइट से सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पर सब लोग इसको जो है वेस्ट ऑफ टाइम बता रहे हैं, इस वेबसाइट पे काम करना मतलब समय की बर्बादी। तो आप यहाँ पर ये रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो गाइस मैंने इस वेबसाइट के बारे में यूट्यूब पर सर्च किया तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी वीडियोस मिली जिनमें लोगों ने दावा किया है कि आप $300, $250 हर महीने के कमा सकते हैं। एंड गाइस गूगल के रिव्यू पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि ये वेबसाइट रियल नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बताया जाए कि अगर आप इस वेबसाइट पर साइन अप करने का सोच रहे हो तो मत कीजिए। अगर आपको सर्वे करना है या सर्वे वाली वेबसाइट में आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं, वहाँ पर आप कोई भी सर्वे वेबसाइट में जाकर सर्वे को कम्प्लीट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेफिनेटली पैसे मिलेंगे। आई होप यू गाइज कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको ये बताना चाहता था कि इस जैसी वेबसाइट पर आप बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट ना करें। तो
गाइस यार इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।